ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਟਿਕਰੀ ਹੈ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਦਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ, ਦੁਕਾਨ, ਡੇਅਰੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ 12 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਰਹੂਗੀ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਲੀ ਦਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਛਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਨਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਦਹਨ ਵੀ ਹੋਲੀ ਦਹਨ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਆਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ MSP 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਰਜਨਾਲਾ ਜੀ। हाँ मीडिया साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 2017 में नैरोबी में इंडोनेशिया, उसमें फैसला ये किया गया था कि जो आने वाले समय च डेवलप कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री या वो जितना अनाज उगाते हैं, जितना उनका अनाज आता है उसमें 10% ही खरीदा जाऊगा। WTO उदियां शर्तां ये इनडायरैक्ट वे ना लागू कर रहे हैं। जो सीधे तौर पर असं कानूनों का विरोध कर रहे हैं, कानूनों लागू नहीं होने देंगे पंजाब ते हरियाणे दे विच, उन्होंने एक टेढ़ा ढंग ले आंदा कि इदियां स्पेसीफिकेशन बदल दो। फॉर एग्जाम्पल अगे जिहड़ी गेहूं सीगी, कणक जिहनूं बोलदे पंजाबी च, वह 14% मॉइस्चर जो हुंदा सी ते खरीद ली जांदी सी, वह इन्होंने मॉइस्चर जिहड़ा 12% करता 12%। मैं ये कहना चाहना, मैं एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट भी हाँ, 12% तो कोई चक्की आटा नहीं पीती, खराब हो जाता, दर फुरड़ हो जाता। सो इस करके उस नमी होनी जरूरी होंगी है, ये 14% ही रहना चाहिए। सगों असी डिमांड करते हैं कि 14 तो इनक्रीज करके 16% करना चाहिए। इस तरह जो फॉरन मैटर आ, तुम कितना भी अनाज को साफ कर लो, उसमें फॉरन मैटर कोई दागा पै गया, कोई मिट्टी पै गई, कोई मलछा टमाटा किंकर आ गया, इसको फॉरन मैटर कहते हैं। अगे 17% सी, असी उन्हों पहले ही कहने हैं भी इट शुड बी इनक्रीज बढ़ना चाहिए, उन्होंने उन्होंने 15% कर दिता। इस तरह शाइनिंग दाणिया का बनाता वा, इस तरह ही दाणिया की ग्रेडिंग फर्दर कर दिती है, इस तरह का टाइट कर दिता इनडायरैक्ट वे नाल कि FCI सरकारी परचेज ना हो तो सारी परचेज जी प्राइवेट खाते के जाए, ये उन्होंने स्पेसीफिकेशन बनाईया। सो ये विरोध में असी सारे भारत भर च कहे, वैसे पंजाब ते हरियाणे दियां मंडियां दे विच उस दिन बड़े बड़े डिमोन्स्ट्रेशन धरने किए जाएंगे, उनको दबा दिया जाएगा और मेमोरेंडम भी दिए जाएंगे सारी सरकार को भी, जो स्पेसीफिकेशन वा जड़िया 50 साल तो तुरी आ रही, उन्होंने स्पेसीफिकेशन सगों रिलैक्स करो, तुम होर टाइट कर दिया, ये भी असं अज फैसला किया। परशोत्तम शर्मा साथियों, आज जो 26 तारीख के भारत बंद को लेकर के बातचीत हुई है, तो उसमें तमाम जो केंद्रीय ट्रेड यूनियंस हैं, ट्रेडर्स एसोसिएशन हैं और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, छात्र संगठन, युवा संगठन, महिला संगठन, इन तमाम ने पूरी तरीके से किसान संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से आह्वान किए गए 26 मार्च के भारत बंद को समर्थन देने की बात की है। और हम लोग अब राज्यों के स्तर पर भी कोशिश करेंगे कि राज्यों में, जिलों में, निचले स्तरों पर ऐसी संयुक्त बैठकें हों जिसके जरिए भारत बंद को पूरी तरीके से सफल बनाया जाए, इसके लिए हम लोग अब लगेंगे।
किसान आंदोलन हमारा लगातार फैल रहा है और आप सबको मीडिया के जरिए भी खबरें मिली रही हैं, खास करके सोशल मीडिया के जरिए। मैं यूपी की भी बताना चाहता हूं कि जैसे अभी तक सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंदोलन के विस्तार की बात आती थी, लेकिन मैं पिछले हफ्ते के अंदर बुंदेलखंड इलाके में उरई जिले के अंदर मैं एक बड़ी किसान महापंचायत में गया। वहां लगातार किसान पंचायतें, मजदूर पंचायतें चल रही हैं। पूर्वांचल के अंदर भी इलाहाबाद से लेकर के और बलिया तक, बलिया में बहुत बड़ी किसान मजदूर महापंचायत हुई जिसमें मैं गया था, टिकैत जी भी गए थे, और एक बड़ी गोलबंदी वहां पर किसानों मजदूरों की जो है इस आंदोलन के पक्ष में, तीन कृषि कानूनों को वापस लेने और MSP को लागू के कानून को बनाने के बारे में हुई। जो अवध इलाका है उत्तर प्रदेश का, वहां पर भी लगातार आंदोलन बढ़ रहा है और वहां भी दो तीन किसान महापंचायतें इस बीच हो चुकी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में जो हरदोई रोड पर दशहरी मोड़ है, वहां पिछले दो महीने से 17 जनवरी से शुरू हुआ था ऐसे ही किसानों का मोर्चा, और किसान वहां पर जो है दो महीने से इन तीन कृषि बिलों के खिलाफ मोर्चा लगाए बैठे हैं। BKU लोकतांत्रिक नाम का संगठन है, राकेश सिंह चौहान उसके लीडर हैं, उनके नेतृत्व में लगातार वहां जो है मूवमेंट दो महीने से जो है किसानों का मोर्चा लगा हुआ है। तो इसलिए ये आंदोलन का पूरा विस्तार जो है यूपी के अंदर, पूर्वांचल हो, अवध हो, बुंदेलखंड हो, लगातार इसका विस्तार हो रहा है। बिहार के अंदर ये आंदोलन पूरी तरीके से गति पकड़ चुका है और अभी सहजानंद सरस्वती के जयंती थी 11 मार्च को, तो उस दिन बिहार में एक बड़ा जो है किसान मजदूर पंचायत हुई और उसके बाद पूरे बिहार के लिए 7 किसान रथ निकले जो 15 तारीख तक, 11 तारीख से 15 तारीख तक पूरे बिहार का उन किसान रथों के जरिए किसानों के बीच जन जागरण अभियान चलाया गया। और कल 18 तारीख को, कल 18 तारीख को पटना में बहुत बड़ी किसान मजदूर महापंचायत आयोजित की गई है, जिसमें यहाँ से हमारे किसान मोर्चे के जो पंजाब किसान यूनियन एक घटक है उसके सचिव जो हैं गुरनाम सिंह भिकी भी उसमें यहाँ से जा रहे हैं शामिल होने के लिए, और राजा राम सिंह जी जो अखिल भारत ये किसान महासभा के महासचिव हैं वो भी उसको संबोधित करेंगे। तो इस तरीके से आंदोलन पूरे बिहार में भी जो है लगातार बढ़ रहा है, देश भर में बढ़ रहा है और ये आंदोलन जो है एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। अरजीत कहेंगे कुछ? पंजाब से हरियाणे नूं सद्दा दिता अज की जी मीटिंग है, ये यह भी चर्चा हुई कि पंजाब अते हरियाणे के किसान जिहड़े आ वह मंडिया के अपन जीडिया फसलों वो नहीं देंगे। अगर मान लो सरकार ये कोई इस तरह का कर दे तो आने वाले समय के तिखा एक्शन जोड़ा वा वह लीका जाएगा, तो जो कि जेडे इस पक्ष के उत्ते जे निके हिस्से